भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी तरह से बनारस चेंज हो चुका है, नहीं है लगता है हम लोग कहीं बाहर आ गए। जैसे कह रहे थे मोदी जी क्योटो बनाना है, तो हम लोग का बन रहा है बनारस। जो काम पहले कभी नहीं हुआ था वो हमारे प्रधानमंत्री किए हैं अभी। लेकिन हम लोग इस समय इतने बेफिक्र, रात को आप 1 बजे 2 बजे 12 बजे कहीं पर भी जाइए, कोई डर नहीं है। ना मेरे प्रधानमंत्री ना मुमकिन को मुमकिन किया है हर एक काम को। काशी वासियों की खुश नसीबी है कि हम लोग के सांसद मोदी जी हैं। दिखा देंगे कि हम 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी। अच्छा, तो मतलब दिखा देंगे 2022? बिल्कुल दिखा देंगे। स्मार्ट सिटी हो गया है, पूरा स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया है। हर एक चीज में मोदी जी योगी जी सब कुछ कर रहे हैं। सारे लोगों को सबको अवेयर किया जा रहा है ताकि कोई पीछे ना रह सके। सिंह जी, बनारस में क्या क्या कार्य हुआ है, क्या योगी सरकार ने किया हुआ है? सबसे पहले तो विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी एकदम साफ दिखाई देती हैं, ये हुआ है। बहुत कुछ बदल गया है, हाँ बहुत कुछ हुआ है, बहुत शहर बदल गया है, बहुत बनारस समझ ले साफ रहने लगा है। हाँ, पूरा रोड बन गया है। जो काम पहले कभी नहीं हुआ था वो हमारे प्रधानमंत्री किए हैं अभी। पूरा काम फाइनल हो गया है हम लोगों के यहाँ। तो बनारस में सुधार हो रहा है, बहुत रफ्तार से, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। नहीं है लगता है हम लोग कहीं बाहर आ गए। जैसे कह रहे थे मोदी जी क्योटो बनाना है, तो हम लोग का बन रहा है बनारस। अच्छा, तो काशी बिल्कुल बाहर जैसा लगता है? बिल्कुल, आप रात के वक्त या सुबह के वक्त कभी भी जाइए तो ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर आए हैं। हर सड़कें एकदम चौड़ी हो गई हैं, लाइटिंग इतनी अच्छी है, पानी बिजली का तो हमेशा अच्छा रहा है। पूरी तरह से बनारस चेंज हो चुका है एकदम। क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं इस समय आप जो है कि बनारस घाट के पास गोदौलिया चौराहा है, वहाँ पे जाके देखिए, जैसे लगता है कि हम लोग कुछ अलग दुनिया में आ गए हैं। और ये संभव हो सका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनारस में बहुत अच्छा हो गया जी। क्या बोल रहे थे? पहले जैसे लगता था कि नहीं बनारस नहीं सही है, ये है वो है, गंदगी है, पहले एक तरह नहीं है, लेकिन बनारस में अब बहुत कुछ बदल गया है। यानी कि पहले गंदगी बहुत हुआ करती थी, हर जगह कचरा रहा करता था, लेकिन अब साफ सुथरा रहता है। किसी सरकार में इस तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा किसी सरकार में, ऐसा किसी सरकार ने नहीं लिया था। नहीं, महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य, क्या क्या क्या? महिलाओं के लिए हमारे मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। इस समय बहुत सी योजनाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के, ये सहायता समूह है ये सब, और हम मुस्लिम वर्ग जो अल्प वहाँ पे 3 तलाक वाला, ये हमारे मोदी जी ने किया। और इस समय महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। और हम जैसे पहले होता रहा ना कि 7-8 बजे तो अपने घर के अंदर रहो, लेकिन हम लोग इस समय इतने बेफिक्र, रात को आप 1 बजे 2 बजे 12 बजे कहीं पर भी जाइए, कोई डर नहीं है। किसी को सोचना ही पड़ता नहीं है कि मतलब हम निकले कि ना निकले, बस निकलना है तो निकलना है। अच्छी बात तो गोदौलिया में 150 साल पुराना वहाँ कूड़ा घर था, जिसको मोदी जी ने हटवा दिया है, एकदम साफ सुथरा हो गया। नहीं तो वहाँ जाओ तो बदबू करती थी। 150 साल पुराना वो था, जो कि मुमकिन ही नहीं लगता, लगता ही नहीं था कि कभी ये सही होगा, लेकिन आज एकदम साफ हो चुका है, एकदम स्वच्छ। रोड्स पे लाइट वगैरह की व्यवस्था किस तरीके से है? रोड्स वगैरह बहुत अच्छी। हम लोग ये लगता ही नहीं कि हम लोग काशी के हैं। हम लोग जो स्वप्न था मोदी जी का, वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है। क्या हम लोग की काशी क्यूटो की तरह बन रही है। और बहुत ही सड़कें हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, गैस की तो सुविधा मोदी जी ने जैसे ही बना था वैसे ही महिलाओं के लिए कर दिया था। तो बहुत व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही, सारी सुविधाएं इनको दी जा रही है। आंटी जी, आप बोलना चाहेंगी कुछ? आपका नाम क्या है? माधुरी देवी। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, किस तरीके से काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आवाज़ बनाने के लिए जिसके पास है नहीं उसको हेल्प कर रहे हैं। उनको हमको भी मिला भी है। आपको मिला है? हाँ, पैसा मिला है। अच्छा। अपना घर बनवाए हैं। अच्छा, अपना घर बनवाए हैं। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिला है। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम पूनम है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? ना मेरे प्रधानमंत्री ना मुमकिन को मुमकिन किया है हर एक काम को, और आगे भी हम लोगों का प्रयास है उनके साथ हम लोग खड़े होकर उनको सपोर्ट करें और देश के आगे बढ़ने से भागीदारी में आगे सहयोग करें उनको। तो बनारस की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। तो जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर 280 परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं, दूरदराज सेंटर बना दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री और भी ज्यादा परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं? जब भी आते हैं सब तब सौगात देते हैं, इस बार भी हम लोग को बहुत सा सौगात दे के जा रहे हैं। ये हम लोग की खुश नसीबी है, काशी वासियों की खुश नसीबी है कि हम लोग के सांसद मोदी जी हैं, यहाँ के सांसद है, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री। ये हम लोग की भाग्य की बात है, हम लोग का किस्मत है, हम लोग का खुल गया है कि उन्होंने जो है कि वाराणसी को वाराणसी बना दिया है, विश्वविख्यात कर दिया है, विश्वविख्यात।
अब हर कोई जानता है स्मार्ट सिटी हो गया है, पूरा स्मार्ट सिटी हो गया है, स्मार्ट सिटी हो गया है, बिल्कुल हो गया है स्मार्ट सिटी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ, सब सब सारा सुविधा सारा व्यवस्था हुआ है। जो माता पिता अपने बच्चों जो मतलब आर्थिक तंगी रहती थी नहीं पढ़ा सकते थे, मोदी जी ने ऐसा नियम निकाल दिया है कि बस फॉर्म भरो, वो भी ऑनलाइन फॉर्म भरो, बच्चों का आ जाता है आराम से, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाइए। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म से आप किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं? ले सकते हैं हाँ। अच्छा, मोदी जी ने ऐसी अच्छे से ऐसे सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आज है मोदी जी का देन है कि हम लोग मतलब अच्छे भी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे भी मिडिल क्लास के लोअर क्लास के भी लोग आगे बढ़े, सीबीएसई बोर्ड का सपना साकार हुआ उन लोगों का। वो लोग जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हर महादेव जय महादेव, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। साल जीते रहे, हम लोगों के सांसद ऐसे बने रहे जो ये विकास कार्य करते रहे। बनारस क्या था, बनारस को उन्होंने क्या स्वर्ग बना दिया। अभी हम लोग चाहेंगे कि और आगे ये आने वाले दिन में ये तो ही प्रधानमंत्री रहेंगे, न ऐसा प्रधानमंत्री रहा है न रहेगा कभी भविष्य में भी नहीं जो हमारे मोदी जी हैं। देखिए आंटी जी का भी भावुक है, इनकी आंखों में आंसू देख सकती हूँ मैं, क्यों भावुक क्यों हो रही हैं आंटी जी? इससे भावुक हो रहे कि हमारे मोदी जी इतने अच्छे हैं, कहीं कहीं भावुक हो ही जाना पड़ता है। अच्छा, मोदी जी इतने अच्छे हैं कि भावुक अपने आप में, जैसा हमारे अभी तक कोई प्रधानमंत्री न आया है न बनेगा। उसका एक बात सुनिए, आप भी जब स्टूडेंट थी तो हम लोग को रटना पड़ता था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम। आज मोदी मोदी हमारे एक एक दिन के बच्चे बोल रहे हैं, हाँ नमो नमो अगेन। हम लोग हमेशा फॉरएवर चाह रहे हैं कि मोदी जी फॉरएवर रहे, क्योंकि वो यदि कुछ भी कर रहे हैं तो अपने परिवार नहीं पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं ना, पूरे देश का सोच रहे हैं। अब जो भी प्रधानमंत्री आया तो मुझे अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया है कि जो पूरे देश का सोचे। और ना लोग अपना घर भरते हैं, जितने प्रशासन को होता है जितनी गलतियां पे गलतियां करो कोई सुनवाई नहीं, लेकिन यहाँ तो है कि राइट टाइम योगी जी भी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को मोदी जी छोड़ कोई नहीं। योगी जी का आपने नाम लिया, तो योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यूपी में किस तरीके से काम? हमारे योगी जी एक तो कहिए तो वो हिंदुत्व के लिए जो फेमस है वो सदैव रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और रही बात तो जो उनकी तानाशाही है वो एक्यूरेट सही जगह के लिए है, अननेसेसरी जगह के लिए उनकी कहीं भी तानाशाही नहीं है। लोग जो मतलब सपा बसपा तो कुछ भी किसी को कह सकते हैं, वो हमको भी कह सकते हैं आपको भी कह सकते हैं, लेकिन योगी जी भी आप देखिए आगे पीछे उनके कौन हैं, हम लोग हैं तो वो भी वही है। नरेंद्र मोदी जी योगी जी को इसीलिए चुना है कि इन लोग हम लोग देश के लिए मरेंगे, झोली नहीं भरते, इनकी झोली में कोई जगह नहीं है, ये देश के लिए मरते हैं, ये देश के नेता हैं, हैं ये हम लोग वो देश के लिए हैं। वो अपने घर मकान को नहीं बनाना है, आलिशान नहीं बनाना है कि हमको 100 लाख की बेड पर सोना है। ये जो बहन मायावती ये करती थी, जो उन्होंने बीज बोया था कि ये मेरे वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनकी बीज खिसक गई है। अब वो सारे योगी जी के मोदी जी के खेमे में आ गए, इसलिए वो लोग चिड़चिड़ा करके बोल रहे हैं कि ये चीजें जनसंख्या नियंत्रण आया तो चुनाव के समय ही क्यों आया, उनको ये क्यों मिर्ची लग गई, उनके पेट में क्यों दर्द हो गई कि ये चुनाव के समय में ही क्यों आया, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, जनसंख्या नियंत्रण आना ही है, है? देश की संख्या बढ़ रही है, दो बच्चे बहुत हैं। लेकिन विपक्ष का तो ये भी कहना है ना कि इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो ये औलाद का दर्द क्या जानेंगे? अरे वो क्या बताएंगे, जो औलाद नहीं है जिनको वही तो दर्द जानते हैं, हम भी तो अनमैरिड हैं, हम लोग तो जनसंख्या नियंत्रण कानून में ऐसा गलत है क्या जो इतना ज्यादा राजनीति हो रही है? कोई गलत नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण को जब इंदिरा गांधी जी थे जबरदस्ती करके सबके नसबंदी कर रही थी तो आयरन रेडी हो गई। हमारे मोदी जी जब ये जनसंख्या नियंत्रण योगी जी तो उसके लिए बुरा बता रहे हैं, है? वो आयरन रेडी कैसे बन गई, जबकि वो उस समय जबरदस्ती कर करके सबकी नसबंदी कराई जा रही थी, तो वो भी तो समय था। ये तो नसबंदी नहीं कराई जा रही है, ये तो जनसंख्या नियंत्रण है ना, उसमें नियंत्रण करवाया जा रहा, तो उसके लिए तो ये क्या एक फोटो ले लीजिए तुम बोल रहे। भी सुधार के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जनता से भी राय पूछ रहे हैं, जनता जो राय पूछे, जनता तो जो राय देगी वो सहमति होगी उनकी, हम लोग सहमति है, दो दो संख्या है। और विपक्ष बहुत ज्यादा बोल रहा है ये चीज कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राजनीति करने के लिए ला रहे हैं,
चुनाव के समय ही क्यों लेके आए? चुनाव के समय हम लोग सारे कार्यकर्ता एक होकर दिखलाएंगे कि देश के हित में क्या क्या करना चाहिए। हम लोग पूरे जोरों शोरों से अपने बल को प्रयोग करेंगे। हाँ, और हमारे योगी जी मोदी जी ही रहेंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है, टूटी चोर कह दिया जा रहा है, कुछ भी कह दिया जाता है। उनकी बात आप हम लोगों से करेंगी तो अपोजिशन के बारे में भी अंडबंड बोलना मेरे हिसाब से अच्छा बहुत नहीं जाता है। काम मुझे करना, अपोजिशन तो बोलता है ना बीजेपी, अपोजिशन इसलिए बोलता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हमेशा खिसियानी बिल्ली अन्ना मिले तो खट्टे अंगूर वाली अखिलेश जी की आदत है। किस पे अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं बीजेपी पर भरोसा नहीं, यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं? अरे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, जिसकी सरकार रहेगी तो उसकी पुलिस होगी ना, आप भरोसा करो चाहे ना करो, जनता तो कर रही है ना, बस काम खत्म। यूपी पुलिस जनता के लिए काम कर रही है क्या? नहीं कर रही है, यूपी पुलिस को नहीं कर रही है, उसको तो अपने बाप अपने चाचा पे भरोसा नहीं है, जन्म दिया उस पर भरोसा नहीं है, है उससे भरोसा नहीं है तो फिर वो हम लोगों पे भरोसा क्या करेंगे? वो विपक्ष है, विपक्ष पे बोलेंगे, वो भी लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे, लड़ाई दिखा देंगे कि हम 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी। अच्छा, तो मतलब दिखा देंगे 2022? बिल्कुल दिखा देंगे। यूपी की महिला श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी कमल निशान, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, 280 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? ये बनारस के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो कि मोदी जी हम लोगों के सांसदीय क्षेत्र के मतलब वो हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि हम लोगों के हमेशा दौरा करते रहते हैं, और इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे हम लोग शायद देख भी नहीं पाए थे, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या भी आप देख रही हैं, कोरोना काल की वजह से भी कोरोना प्रोटोकॉल को रखते हुए भी सारी समस्याओं को देखा जा रहा है, ये बनारस के लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है जो इतनी बड़ी परियोजनाओं के तहत योजनाएं की जा रही है। जी, विपक्ष यहाँ पर लगातार मोदी पर, पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है, बोल रहा है चुनाव आने वाले हैं तो अब इन सब चीज़ों का उन्हें ध्यान आ रहा है, जब कोरोना काल था तब पीएम मोदी कहाँ थे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल के समय में भी मुझे नहीं लगता कि सरकार ने किसी भी तरह से ढिलाई की थी, हर जितनी भी सुविधाएं थी सारी सुविधाएं, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि भूखा कोई था, सारी योजनाएं उनको दी जा रही थी, हम लोगों ने खुद सारी योजनाओं को प्रोवाइड करवाया था, राशन से लेकर के पानी से लेकर के हर व्यक्ति को हम लोग ये देख रहे थे कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, हर घर में हम लोग खाना का और राशन का और जितनी भी मतलब सुविधाएँ होती हैं वो हम लोग दिए रहे थे, यहाँ तक कि दवा वगैरह तक हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे। अब ये देखिए, विपक्ष है, विपक्ष को बोलने का तो मौका चाहिए ही चाहिए, वो तो हमेशा मौका खोजता है और इस समय भी मौका खोजेगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पीएम मोदी जिस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आप लोगों का क्या सहयोग रहा है, आगे पीएम मोदी की क्या योजनाएँ रहेंगी, किस तरीके से वो कार्य करेंगे? देखिए, हम मुझे तो नहीं लगता कि पीएम जो है हम लोगों के उससे बेहतर कोई अभी आया है और आएगा। मैं देखिए, पार्टी के होते हुए जनता के तहत मैं बात कर रही हूँ, इसके पहले भी आप लोगों ने भी देखा होगा जो भी समस्याएं थी, जो भी समस्याएं थी पब्लिक बहुत झेल रही थी, आज बनारस देखने लायक हुआ है तो उसके सारे सारे दमोदार जो होता है वो पीएम मोदी पर ही जाता है। आज बनारस, पहले देखिए कितनी गंदगी रहती थी, कितने हर जगह, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता जो झाड़ू उठाए, आज लोग झाड़ू उठाने में अपना सौभाग्य समझते हैं, बड़े बड़े लोग आज झाड़ू उठा रहे हैं। अभी तो देखिए कोरोना के वजह में अखिलेश जी ने तो बोला था कि नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन, आज तो उसी वैक्सीन के लिए तो मार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आखिर में कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न है। तो देखिए, आलोचनाएं तो होती रहती हैं, आलोचनाएं की बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम लोग को सुनने की आदत है, सुनते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, बस आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ है और जनता है इसके आगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, अभी आप लोग इकट्ठा हुए हैं किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या आप उम्मीदें कर रहे हैं? यहाँ पे मोदी जी इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हमारे बनारस वासियों को बहुत सारी चीज़ें सौगात में देना चाहते हैं, हर बार वो आते हैं कुछ नया देते हैं सबको, और इसी उत्सुकता के तौर पे सारे लोग इकट्ठा हुए कि इस बार मोदी जी हमारे देशवासियों के लिए क्या लेकर के आए हैं, क्योंकि हर साल बनारस में कुछ नया होता है, कुछ नई चीज़ें बनती हैं, तो बस यही सब उत्सुकता के कारण यहाँ के लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज़ें। अच्छा, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जो जितने वो कार्य करे वो तो काफी बहुत अच्छा है, और जितनी लड़कियां हैं, गर्ल्स पावर, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। बनारस से ही है जी? हाँ, मैं यहाँ की। बनारस में महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं मोदी जी प्रदान कर चुके हैं और अब आगे करने की बोल रहे हैं? जी, बनारस में महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, उनके हेल्थ को लेकर के, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के, हर एक चीज में मोदी जी, योगी जी सब कुछ कर रहे हैं। सारे लोगों को, सबको अवेयर किया जा रहा है ताकि कोई पीछे ना रह सके, स्पेशली गर्ल्स वुमेन्स, उनके लिए काफी ज्यादा किया जा रहा है जी। तो अभी 280 परियोजना का लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे करेंगे, तो क्या लगता है जिस तरीके से बनारस में सुधार आ रहा है, आगे चल के और भी सुधार आने की संभावना? अब तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो चुका है, इसके बिहार पे आप सब लोग देख सकते हो कि बनारस में आगे और भी बहुत कुछ बदली जा रही है और जाएंगी भी। बस नेक्स्ट हमें मोदी जी को वापस लेके आना है, योगी जी को वापस लेके आना है, अपने जो है हमारी गवर्नमेंट उन्हें बनाए रखना है ताकि ये जो विकास है वो रुके ना। अब विपक्ष से कोई जीत जाता है तो? जी, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर जीत जाता है तो वो एज ए सिचुएशन देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो इससे पहले जो सरकार थी, जब योगी जी नहीं थे उत्तर प्रदेश के सीएम या प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे सेंट्रल में, तब बनारस की हालत क्या थी या यूपी की हालत? बनारस की हालत कुछ खास नहीं थी, तभी महिलाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते थे, गर्ल्स को लेकर के देखे जाते थे, और कुछ विकास हमें नहीं दिखाई देता था। सड़कें आप देख रहे थे पहले कैसे थे, आज के डेट में भी कुछ जगहों पे है बट इतने नहीं है पहले की तरह, अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। हमारी पुलिस आगे हो चुकी है, हमारे प्रशासन आगे हो चुकी है, हर तरीके से लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, किसी को मतलब परेशान नहीं किया जा रहा है। और पहले ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, आज के डेट में सब सक्षम है। कहाँ से? पांडेपुर से। पांडेपुर से। अच्छा, तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं, जिस तरीके से वो परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले जी, मैं उसी के लिए। क्या कहना चाहेंगे पीएम मोदी के लिए? बहुत धन्यवाद उनके लिए, हमारे शहर के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, उसके हम आभारी है मैडम। प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शहर को बहुत कुछ दिया है और उनके से हम संतुष्ट। क्या क्या दिया है आपके शहर के प्रधान? शहर के प्रधान ने हमारे को बहुत कुछ योजनाएं हुई, यहाँ बने हैं बहुत सी कार्ड, महिलाओं, गरीब महिलाओं को दिए हैं, जो महिलाएं कुछ नहीं जानती उनको मैंने, हम लोग जागरूक करके उनको योजनाओं का लाभ दिया है। मैडम नाम बता दीजिए पहले अपना। सुलेखा मैडम। सुलेखा जी, क्या आप किस लिए आई हैं यहाँ पर, क्या लगता है पीएम मोदी क्या कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए? अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग को बहुत मदद कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा सब देख रहे हैं हम लोग को, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनके बहुत सहायक है मेरे पास। क्या करते हैं मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ताली चलाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पूरी मदद कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, सारे बच्चे मेरे पढ़े, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ 1 लड़के हैं, सब पढ़ते हैं मेरे बच्चे। सब बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, सबको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? तनु चौहान। तनु चौहान। तनु, तनु मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, ये कार्ड आपने हाथ में लिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी से मिलके जी, जा रहे हैं मोदी सब मिलेंगे तो। क्या कार्य किया है आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छा कार्य किया, हम लोग को पढ़ाई का फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, पढ़ाई के लिए फीस दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या मोदी जी ने कहा और क्या क्या आपको अच्छी लगी उनकी सुविधाएं? मुझे तो उनकी हर सुविधाएं हमेशा से ही अच्छी लगी हैं, और हम अपने पिताजी के ही जमाने से हम लोग कट्टर भाजपा ही हैं, वो चाहे जिस भी हालात में रहे लेकिन हम लोग भाजपा के साथ ही रहते हैं। और मुझे ये अच्छा लगा कि पहले की जो सरकार थी, पहले इतना युवा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, जहाँ भी लड़कियाँ निकल रही थी हर घर वालों को डर रहता था कहीं रेप केस हो जा रहा है, लड़कियों को निकलना घर वाले निकालने में हमेशा डरते थे, लेकिन आज वो चीज हो गया है कि लड़कियां हर जगह जाकर खुले आम जाकर अपना, चाहे सर्विस पे जा रही हैं चाहे जॉब भी जा रही हैं। मुझे आज ये अच्छा लग रहा है कि अभी मैं पहली बार बोल रही हूँ और राजनीतिक और पॉलिटिक्स में मैं पहली बार उतरी भी हूँ, और मेरा एज भी ज़्यादा नहीं है, 26 ईयर्स है, और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे योगी जी मोदी जी जनता के लिए, जनता के सेवा के लिए वो इतना अच्छा अच्छा सुविधा दे रहे हैं, हम लोग को उनका साथ देना चाहिए जी। हमारे कार्यकर्ता आज आप देखिए कैसे यहाँ पे एकजुट थे, और कार्यकर्ताओं ने कैसे मोदी जी के कार्यक्रम को बिल्कुल सफल बनाया है, और मोदी जी ने शुरुआत कैसे की है अपने देसी
बातचीत से अंदाज से स्टार्ट किया है, भोजपुरी से शुरुआत की है और भोजपुरी से हम लोग जुड़े हुए हैं और पूर्वांचल की मिट्टी की जो महक है उसको मोदी जी ने और महका दिया है और 2022 में मोदी जी की पूर्ण बहुमत से